Friends, today we are going to start our third chapter entitled Deep Water by William O. Douglas. William O. Douglas, just the full name William Orville Douglas, he was born on October 16, 1898, and he passed away in 1980 January. He was an American jurist and politician who served as an associate justice of the Supreme Court of the United States, nominated by President Franklin D. Roosevelt. Douglas was confirmed at the age of 40, one of the youngest justices appointed to the court. His term lasting 36 years and 211 days, means that was just 1939 to 1975. It is the longest in the history of the Supreme Court. In 1975, Time magazine called Douglas the most doctrinaire and committed civil libertarian ever to sit on the court. Here, in this chapter, Deep Water, just you know that it is an excerpt taken from his famous book of Men and Mountains. He was a leading advocate of individual rights and justice in the courts of USA. I have already told this. And this chapter, Deep Water, deals with the childhood fear of Douglas, a misadventure at the YMCA pool developed an aversion of water in him, and he suffered from hydrophobia, which he was able to conquer after several years by sheer determination. Through this story, the author wants to convey that nothing stands before a determined person. A person with a strong willpower can overcome all the obstacles in the path of his success. This is what Douglas proves in the story. He was determined to overcome his fear of water. प्यारे बच्चों, ये जो डीप वाटर चैप्टर है, ये विलियम ओ डगलस द्वारा जो लिखित पुस्तक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इस पुस्तक से लिया गया एक अंश है। ये यानी जो विलियम ओ डगलस हैं, जो राइटर हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों में इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के एक मुख्य वकील थे। यह चैप्टर डगलस के बचपन के डर के बारे में चर्चा करता है। इसमें उन्होंने अपने बचपन के भय के बारे में बताया है, डर के बारे में बताया है, और उन्होंने बताया है कि बचपन में वो YMCA के पूल में जब गए तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी, और उस दुर्घटना ने उनके अंदर पानी के प्रति इतनी घृणा का भाव पैदा कर दिया कि वो हाइड्रोफोबिया से, माने पानी के भय से ग्रसित हो गया। यहाँ थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे YMCA का पूरा मतलब क्या है। हियर वाई स्टैंड फॉर यंग, M for men's, C for Christian, and A stands for association. मतलब Young Men's Christian Association Pool, ये YMCA का मतलब है। इस YMCA के पूल में क्या दुर्घटना उनके साथ घटित हुई, और इस दुर्घटना के कारण कैसे वो हाइड्रोफोबिया से पीड़ित हो गए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। एकदम पानी के प्रति एकदम ये भयभीत हो गए, और इस भय को वो अपने जीवन में कई वर्षों के बाद अपने दृढ़ निश्चय से हराने में कैसे सफल हुए, ये इस कहानी का मूल बिंदु है। इस कहानी से हमको ये संदेश मिलता है, इस कहानी से बहुत बड़ा
यह एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। जैसा आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही थीम पर आधारित है यह चैप्टर। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति अपने मार्ग की सभी बाधाओं को पार कर लेता है। कहानी में विलियम ओडगलस इसी बात को सिद्ध करते हैं और अपने दृढ़ निश्चय के कारण ही अपने पानी के इस भय से वो अपने आप को कैसे अंत में मुक्त कर लेते हैं, इसी की कहानी है डीप वाटर। आज लेखक के बारे में और चैप्टर की थीम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इससे आगे अब हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग कुछ पोर्शन को प्रारंभ करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 12 ईयर्स। इट हैड हैपेंड मतलब व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड इन हिज लाइफ, द एज ऑफ विलियम ओडगलस वाज 10 or 11 ईयर्स। जब ये घटना उनके साथ घटित हुई उस समय उनकी उम्र 10 या 11 वर्ष की रही होगी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। इन्होंने स्विमिंग करना सीखने का निश्चय किया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा। वही यकीमा में यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल था और इन दैट पूल जस्ट ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। इसी में इनको अपॉर्चुनिटी चांस मौका अवसर मिला। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। ये नदी काफ़ी भयावह नदी थी क्योंकि मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। इनकी माताजी इस नदी के बारे में अक्सर इनको आगाह किया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और अपने माँ के बताने के कारण ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ ड्राउनिंग दैट टुक प्लेस इन दैट रिवर जस्ट इट वॉज इन द माइंड ऑफ द राइटर। ये इनके मस्तिष्क में था कि हाँ माता जी ने कैसे बताया था कि इसमें एक से एक कैसे डूबने की घटनाएँ घटित हुई हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन याकिमा रिवर के विपरीत जो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल था, तालाब था, दैट वॉज वेरी सेफ। एंड दैट्स वाई राइटर डिसाइडेड टू लर्न जस्ट टू स्विम इन दैट YMCA पूल। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। इसकी जो डेप्थ थी इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप। केवल 2 या 3 फीट गहराई वाली थी। एट द सैलो एंड और एंड पे ये सैलो थी। सैलो छिछला को कहते हैं, डायरेक्ट डीप नहीं थी। इसलिए इनको ऐसा लगा कि इसमें हम कुछ सेफ तरीके से स्विमिंग सीख लेंगे। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। तो किनारे पर तो ये छिछलापन लिए हुए था 2 या 3 फीट का और उस पार पहुंचने पर ये 9 फीट की गहराई तक का था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। लेकिन ये डायरेक्ट डेप्थ को नहीं प्राप्त करता था, बिल्कुल ग्रेजुअली जो है इसमें क्रमशः गहराई बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स का एक जोड़ा इन्होंने लिया जो तैरते समय पहन के तैरा जाता है और पूल के पास गए। आई हैड टू वॉक नेकेड इनटू इट। अब चूंकि तैरने के लिए आप जानते हैं कि भाई कपड़े आप पैंट शर्ट पहन के तैरेंगे नहीं, तो ये चाहते तो नहीं थे कि नेकेड हो करके बिल्कुल
हाफ पैंट में या इस पूल में उतरें, क्योंकि ये अपने स्किनी लेग्स को, बिल्कुल दुबला पतला शरीर था इनका, लेग्स बिल्कुल स्किनी थे, फ्लैश बहुत ज़्यादा नहीं थे, मांसल शरीर इनका नहीं था, लेकिन अब तैरना है तो भाई इनको उसी रूप में आना पड़ेगा, और इसलिए इन्होंने तैरना सीखने के खातिर कह रहे हैं, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, अपने उस शर्म को, उस स्वरूप को भी मैंने त्यागा और इन्होंने तैरने का मन बनाया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। आप देखें कि फ्रॉम द बिगिनिंग, हालांकि शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब भी ये पानी में होते थे तो इनको पानी से अवर्जन होता था, अवर्जन डिसलाइक को कहते हैं, घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये घटना, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, ये पानी के प्रति जो इनका नफरत था वो तब से शुरू हुआ जब वो 3 या 4 वर्ष के थे। उनके फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे, और कह रहे हैं कि ही एंड आई स्टूक टुगेदर इन द सर्फ, मतलब विलियम ओ डगलस और उनके पिता दोनों लोग कैलिफोर्निया में समुद्र के लहरों के पास खड़े थे किनारे, और लहरें आई, कह रहे आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर। लहरें बड़ी तेज आईं और बता रहे हैं कि ये अपने पिता को, हंग ऑन हिम, अपने पिता को कस कर पकड़ लिए, फिर भी लहरों ने इनको ढकेल दिया और गिरा दिया और इनके ऊपर से लहरें चली। आई वॉज बरीड इन वाटर, बिल्कुल पानी में डूब गए। माई ब्रेथ वॉज गॉन, इनकी बिल्कुल ब्रीथ रुक सी गई, सांसें थम सी गईं। आई वॉज फ्राइटेंड, ये बिल्कुल भयभीत हो गए थे, डर गए थे। फादर लॉ, इनके पिताजी हंसने लगे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन लहरों का जो भय था वो इनके हृदय में, इनके मानस पटल पर बहुत ही ज़्यादा गहरा था और बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्शन वी हैव कम टू नो दैट द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन YMCA पूल जस्ट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग। On that time, the age of the writer was nearly 10 or 11 years. Writer's mother always warned him against Yakima River, and that warning was fresh in his mind because so many cases of drowning had happened in Yakima River, and writer knew about all these things through his mother. This is why writer decided to learn swimming in YMCA pool. It was a safe place because it was 2 or 3 feet deep at the shallow end, and just on the other it was 9 feet deep. And there was the drop which was very gradual. This is why writer decided to learn swimming in that YMCA pool. Just his dislike, his aversion to the water was from the very beginning of his life, because once when he was 3 or 4 years old, he went there to the beach in California with his father, and the waves buried him
in the water. His breath was gone. He was fully afraid. His father loved, but that terror was always present in his heart. इस तरह से आपने देखा कि राइटर ये बता रहे हैं कि यह घटना तब हुई जब वो 10 या 11 वर्ष की आयु के थे और इन्होंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। याकिमा में YMCA में एक पूल था जो बिल्कुल ऐसा अवसर उनको दिया। चूँकि याकिमा नदी तो खतरों से भरी थी, इनकी माता जी इनको बार बार इसके बारे में याद दिलाती रहती थीं, लेकिन इनको लगा कि YMCA पूल सुरक्षित था। वह बिल्कुल छिछले सिरे की तरफ केवल 2 या 3 फीट गहरा था, जबकि दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा था। और इन्होंने तैरने के पंखों का जोड़ा लिया और पुल पर चले गए। उसमें इनको नंगे जाने और अपनी मांस रहित पैरों को दिखाना पसंद नहीं था, लेकिन अपने इस अभिमान पर भी नियंत्रण पा करके इन्होंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। इससे आगे के पोर्शन के बारे में अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक्स अलॉट।